हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आजकल मेटावर्स क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही इजीली 10x, 20x, इवन 50x प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो मेटावर्स क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी पंप हो चुके हैं, जिनमें एक्सी इन्फिनिटी है, AXS कॉइन है, माना कॉइन है, डिसेंटरलैंड, देखें 3x हो चुका है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और ये जो AXS कॉइन है, किसी दौर में ये $1 का हुआ करता था, 80 सेंट का, आज इसकी प्राइस है $134। ठीक है, ENJ कॉइन ऑलरेडी पंप हो चुका है। नोट और ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। सैंडबॉक्स देखें 1x प्रॉफिट दे चुका है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 8x भी प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। ठीक है, तो जरूरत है ऐसे मेटावर्स क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की जो कि अभी तक पंप नहीं हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको दो ऐसे मेटावर्स क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि विद इन फ्यू डेज के अंदर अंदर या विद इन फ्यू वीक्स के अंदर अंदर जैसे ही इनमें हाइप क्रिएट होती है तो ये भी बहुत ही इजिली 3x, 4x या 5x कम से कम प्रॉफिट दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइप है वो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा है। इनमें जो पहला प्रोजेक्ट है उसका नाम है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है मेटा हीरो। हीरो कॉइन का नेम है, आप इसको केयू कॉइन पे बाय कर सकते हैं। मैं इसके प्रोजेक्ट की डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आपको मैं सिंपली बता दूंगा कि आपने किस प्राइस पे बाय करना है, किस प्राइस पे इसको सेल करना है, मैं कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, ये ज्यादा पंप नहीं हुए हैं। अदरवाइज जो माना कॉइन है, AXS कॉइन है, अदर जो कॉइन है, मैं उनके रिलेटेड आपको बताता, ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पंप हो चुके हैं। तो मेटा हीरो एक ऐसा कॉइन है जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत इजीली 5x से लेकर 10x प्रॉफिट हमें दिलवा सकता है। मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि ये एक पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे ये प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे हैं तो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें या ना करना चाहें वो आपकी मर्जी है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। क्रिप्टो फील्ड में कोई भी आपके प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेगा। ठीक हो गया, तो इसको आप केयू कॉइन एक्सचेंज पे बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको मार्केट्स का जो डाटा है वो भी शो करवा देता हूँ कि किन किन एक्सचेंजेस पर ये अवेलेबल है, मेटा हीरो कॉइन, राइट। ये देखिएगा, gate.io पे आप इसको बाय कर सकते हैं, पैनकेक स्वैप पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं, डोडो पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं, xt.com पे भी इसको आप बाय कर सकते हैं, और कॉइन टाइगर जो कि अच्छी एक्सचेंज है इस पे भी आप मेटा हीरो कॉइन को बाय कर सकते हैं। अगर आप पैनकेक स्वैप पे बाय करना चाहते हैं हीरो कॉइन को, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, वो होता है यहाँ पे। किसी भी कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो आपने देखना हो तो यहाँ पे कॉपी करते हैं, राइट। कॉपी करके आप वहां पे सर्च बार में जाके पैनकेक स्वैप पे तो इसको सर्च कर सकते हैं। और ये सर्टिक से भी वेरीफाइड है, ऑडिट इसका हो चुका है सर्टिक से, और मुझे लगता है कि ये एक हिडन जेम है, हमें प्रॉफिट दे के जाएगा। इसकी अगर आप ये देखें, इसकी वेबसाइट देखें, नेक्स्ट जनरेशन रियल यूटिलिटी टोकन कपल्ड विद अल्ट्रा HD मेटा स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से भी आप इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो कॉपी कर सकते हैं। decimal 8 है और सिंबल हीरो है इसका। यहाँ पे एक इनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, न्यूज में तो ये है ही है, याहू फाइनेंस पे भी आ चुके हैं, बिजनेस इंसाइडर, कॉइन टेलीग्राफ, मार्केट वॉच, क्रिप्टो डेली और फोर्ब के ऊपर। जाहिर है कि अगर किसी कॉइन ने हाई पकड़नी हो तो उसका न्यूज में आना ज्यादा जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके रिलेटेड जान सकें। बी योर ओन हीरो विद आवर 3D टेक्नोलॉजी, वी आर प्राउड टू हैव पार्टनर्ड विद वुल्फ स्टूडियो। ये जो वुल्फ स्टूडियो है ना, ये समझ लें कि इनकी पार्टनरशिप बहुत ही कमाल है। ये वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज जो है वो 3D कंपनी है, इसके रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। क्रिएट योर ओन 3D एवाटार, स्कैन एंड क्रिएट 3D NFTs, यूज हीरो टोकन टू ट्रांजेक्ट। ओके, ये देखिएगा, एंटर द मेटावर्स, मेटा स्कैनर इज अ पावर्ड बाय वुल्फ डिजिटल वर्ल्ड, WDW एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्टर एंड टेक्नोलॉजी सप्लायर फॉर मेटा हीरो। द कंपनी हैज बीन रनिंग R&D ऑपरेशन फॉर मेनी ईयर्स इन द फील्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड 3D प्रिंटिंग, एंड हैज कंप्लीटेड हंड्रेड ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर द लाइक ऑफ सीडीज प्रोजेक्ट, फरारी एंड डिज्नी। इनके साथ इनकी पार्टनरशिप है। अगर हम टीम की बात करें तो टीम भी इसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और बड़ी भी है। इसका मैंने व्हाइट पेपर भी देखा है और इसका मैंने रोड मैप भी पढ़ा है कि ये फ्यूचर में टीम को और ज्यादा एक्सपेंड करने जा रहे हैं।
रॉबर्ट ग्रेन जो है इनके सीईओ हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वेबसाइट पे जाके आप सारा पढ़ सकते हैं। ये देखें जो टीम है ये कितनी स्ट्रोंग है, अगर आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करें और कितनी ज्यादा बड़ी टीम है। ये नहीं कि तीन चार बंदों ने मिलकर ये बना दी है, और इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वुल्फ स्टूडियो जिसके रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ। ये आप जो हीरो कॉइन है मैं इसको केयू कॉइन पे बाय कर रहा हूँ, तो करंट प्राइस पे भी मैंने बाय किया है। और अगर ये थोड़ा सा मार्केट डिप लेती है और हमें ये मिलता है 0.075 के राउंड बोर्ड मिलता है, तो मैं मेटा हीरो कॉइन को बाय कर लूंगा। सेकंड मेरी बाइंग होगी 0.075 पे, और जैसे ही बड़ा पंप आता है तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप इसको तकरीबन 1-2 मंथ के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो मैं इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नंबर सेकंड पे जो कॉइन है वो है SLP कॉइन, इसको हम सेमी मेटावर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक्सिस जो कॉइन है ना, ये देखें एक्सी इन्फिनिटी ए एक्सिस जो कॉइन है ये इसका ही एक कॉइन है। आप इसके ऊपर गेम्स खेलते हैं एक्सिस इन्फिनिटी के ऊपर और अर्न करते हैं SLP कॉइन। ये बाइनेंस के ऊपर आपको मिल जाएगा, करंट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, और 0.065 पे बहुत दफा कॉइन पंप हुआ है। दोबारा से आप अगर इसको डिपो में बाय करना चाहते हैं तो आप इसको 6 सेंट पे भी बाय कर सकते हैं या 6.6 सेंट पे बाय कर सकते हैं। मुझे ये लगता है ये भी किसी भी टाइम पे कम से कम 3 से 4x ये प्रॉफिट दिलवा सकता है शॉर्ट टर्म में, और 10x ये बहुत इजीली हमें प्रॉफिट दिलवा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लें ये अपग्रेड हुआ है एक्सेस SLP कॉइन। इसका जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा खासा है, मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, इसको आप बाइनेंस एक्सचेंज पे भी बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें आप मार्केट में अगर जाएं तो यहाँ पे आपको सारा डाटा भी मिल जाएगा, बाइनेंस के यू कॉइन, Gate.io, FTX, जिमिनी, OKX कॉइन हो गया, ये सारी अच्छी एक्सचेंजेस पे ही हैं। और काफी ये AXS आपको पता है कि सारी उसके रिलेटेड जानते हैं, इस कॉइन के रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें नंबर टॉप पे ये आ रहा है AXS, ठीक है, इसके रिलेटेड कौन नहीं जानता है, बहुत ज्यादा पंप हुआ है पिछले दिनों में, तो ये इसी का ही समझ लें कि कनेक्टेड कॉइन है। ठीक हो गया, तो ये इनकी वेबसाइट है जो कि AXS कॉइन की भी सेम वेबसाइट है। यहाँ पे आप गेम्स खेलते हो और SLP जो टोकन है वो अर्न करते हो। आप इसको सिंपली एक्सचेंज पे बाय कर सकते हैं, KU कॉइन पे, OKX पे या बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, और प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो के लास्ट पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आपके प्रॉफिट या लॉस की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, अगर प्रॉफिट है तो वो भी आपका है, लॉस है तो वो भी आपका है। तो आपके कहने पे ये मैं दो प्रोजेक्ट्स लेके आया हूं क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि पंप होने से पहले पहले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताया जाए जो कि हमें कम वक्त में होल्ड करने पे ज्यादा प्रॉफिट दिलवा सके। तो नंबर वन पे जो कॉइन है वो है मेटा हीरो हीरो कॉइन, और सेकंड पे जो कॉइन है वो है SLP टोकन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।